नमस्कार अभिनंदन आप सभी लोग का स्वागत है मैं प्रमोद सिंह आज डिस्कस कर रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है डॉलर का जो मोनोपोली है इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनेशनल पेमेंट्स में अब वो धीरे धीरे शायद कमजोर हो सकता है ऐसा इंडिकेशन आ रहा है एंड दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट वट इज द रोल ऑफ डॉलर इन द इंटरनेशनल पेमेंट मैं थोड़ा सा आपको एक एक फैक्ट से शुरुआत करता हूं मैं इंडियन पर्सपेक्टिव में हमारे जो जो भी इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं उस इंटरनेशनल पेमेंट्स में यानी जो इंपोर्ट के पेमेंट कर रहे हैं जो हम बाकी कोई पेमेंट्स कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पेमेंट्स कर रहे हैं उसमें 86 परसेंट डॉलर का रोल है यानी 86 हम, 86 हम हम डॉलर को यूज करते हैं एंड वर्ल्ड वाइड डॉलर की एक्सेप्टेबिलिटी है इसमें एक सवाल आता है कि डॉलर की जो हिजमनी है जो उसका कंट्रोल है दिस हैज लेड टू डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड यानी इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड फॉरन करेंसी है जिसका यूज होता है डॉलर के अलावा और भी करेंसीज हैं जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं चाइना चाएन, चाइना का रेनबिन बाई हो गया या जापान की करेंसी येन हो गई या यूरो हो गया या पाउंड हो गया ये सारी भी इंटरनेशनल करेंसीज हैं लेकिन डॉलर की मोनोपली क्यों है और उसका एक सबसे बड़ा कारण है द स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिका इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड अमेरिकन इकोनॉमी का स्ट्रेंथ अमेरिकन इकोनॉमी का साइज एंड द डॉलर का जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से डॉलर की एक्सेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है डॉलर एक ऐसा करेंसी है जिसको आप इजिली यूज कर सकते हैं पेमेंट में एंड कोई भी कंट्री उस डॉलर को अपने पेमेंट्स के लिए यूज कर सकती है ऑल्सो डॉलर की फ्लेक्सीबिलिटी आती है उसके स्ट्रेंथनेस से उसके वैल्यू से जिसको अमेरिकन गवर्नमेंट uh, जो है मेंटेन करने की कोशिश हमेशा करती है खैर अब सवाल उठता है कि क्या ये डॉलर की हैजबनी मेंटेन रहेगी द आंसर इज नो

इम्पोर्ट पेमेंट्स के लिए तो दैट इज वॉट इज हैपनिंग हमारे इंपोर्ट पेमेंट्स जो है वो महंगे हो रहे हैं क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और मेरी करेंसी वीक हो रही है दिस विल अप्लाई विद ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया यानी भारत की करेंसी कमजोर हो रही है वाइज एविज बाकी कंट्रीज वो इंडोनेशिया हो गया श्रीलंका हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया या साउथ अफ्रीका हो गया या ब्राजील हो गया ऑल द करेंसीज जो इमर्जिंग वर्ल्ड है वो कमजोर हो रही है डॉलर स्ट्रांग हो रहा है इसका मतलब डॉलर आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा और डॉलर से आपकी करेंसी फिर और फर्दर कमजोर होगी अब रास्ता क्या है पेमेंट को हम कैसे करें एंड दैट इज वेयर वी आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट वेज जहां हम डॉलर के पेमेंट को हम किसी और पेमेंट से करें मिसाल के तौर पे अगर मुझे यूएस रशिया को पे करना है तो मैं रशिया को रूपी में पे करूं और वो पेमेंट रूबल में करें और रूपी रूबल हम लोग अरेंजमेंट कर पाए इसी बैकग्राउंड में इंडिया हैज डन एक हमने न्यूक्लियर ऑयल डील की है सॉरी ऑयल डील की है रशिया इंडिया की और इसको ग्रीन लाइट मिल गई है लेकिन इसको बढ़ने से पहले एक टेलीग्राम चैनल इसको लाइक करिए इसको सब्सक्राइब करिए यहां पर आइए और आपको बहुत सारे रेगुलर इनपुट्स इन, इन, मिलेंगे तो इंडिया हमारे ऑयल इम्पोर्ट्स पर हेविली डिपेंडेंट है आपको इसका उदाहरण देता हूं अगर आप ऑयल इम्पोर्ट्स की हम बात करते हैं तो अगर हम ऑयल इम्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया जो है अराउंड 85 परसेंट ऑयल इम्पोर्ट करता है और ये जो 85 परसेंट का जो ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है उसमें मेजरली मेजरली जो है उसमें गल्फ कंट्रीज हैं अब इस गल्फ कंट्री से एक शिफ्ट आ रहा है और वो शिफ्ट आ रहा है रशिया ऑयल परचेज यानी हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं थोड़ा कॉस्ट बढ़ जा रहा है लेकिन रशिया हमें सस्ते में ऑयल दे रहा है और यहां पर पेमेंट में हम लोग रुपी रूबल अरेंजमेंट कर रहे हैं रूपी रूबल अरेंजमेंट यानी रूपी रूबल अरेंजमेंट में यानी हम रुपी और उनका करेंसी यूज करेंगे और इसी अरेंजमेंट में रुपी को हम यूज करेंगे फॉर पेमेंट कौन से पेमेंट इंपोर्ट पेमेंट यानी डॉलर हम यूज नहीं करेंगे उसका रीजन ये है रशिया नॉट वांट डॉलर क्योंकि रशिया को डॉलर को यूज नहीं कर सकता है और रशिया के ऊपर एक एक्सटर्नल सैंक्शन लगा हुआ है और इंटरनेशनल पेमेंट का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसको स्विफ्ट पेमेंट कहते हैं वहां पर रशिया को एक्सेस बंद कर दिया गया है विच मीन अगर रशिया के पास डॉलर है इट हैज नो यूज यानी हम रशिया को डॉलर पे नहीं कर सकते हैं बट रशिया से अगर ऑयल खरीदना होगा आई विल हैव टू गो फॉर अनदर करेंसी और यहां पे आता है कि रुपी रूबल अरेंजमेंट और एक आया वॉस्त्रो अकाउंट का और इस वॉस्त्रो अकाउंट में हमने हमारे बैंक्स को के अंदर रुपी डिनोमिनेट यानी रुपी का एक अकाउंट होगा जिसमें इंपोर्ट पेमेंट्स रुपी में होंगे और वो जो है हम उसके द्वारा इंपोर्ट पेमेंट कर पाएंगे अब इसका फर्क क्या है इसका फायदा यह है दैट हमारे पेमेंट्स को हम रुपी में हम करेंगे अब रशिया उस रुपी को यूज करेगा अगर उसको हमारे इंपोर्ट्स यानी उसको इंपोर्ट करना होगा हमारे इंडिया से तो उसको यूज कर पाएगा अगर जो बैलेंस होता है उसको हम किसी और कन्वर्सी करेंसी में कन्वर्ट करके वापस दे सकते हैं यानी डॉलर पे डिपेंडेंसी जो है वो कम की जा सकती है एंड इंडिया का जो डिपेंडेंस है वो ऑयल पे मिडल ईस्ट अफ्रीका यूरोप हर एरिया पे है एंड इंडिया का जो ऑयल ट्रेड है वो एक शिफ्ट दिखा रहा है कि कैसे हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की, की वजह से वी आर ऑल्सो रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी इन आर अप्रोच तो इस वजह से जो है क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस महंगे हो गए हैं एंड रशिया ऑफर्डस कि हम आपको एक चीप प्राइस पर आपको इसका एक्सेस दे पाएंगे अगर आप देखिए यहाँ पर रशियन ऑयल कार्गो कितना बढ़ गया है इंडिया का देखिए लास्ट ईयर कितना था और इस साल कितना है लास्ट ईयर इतना था और इस साल इतना हो गया है चाइना का भी बढ़ गया है टर्की इटली इन सभी लोगों का बढ़ा हुआ है तो टॉप फाइव इंक्रीज इन रशियन ऑयल कार्गो अगर हम देख रहे हैं, इंडिया की बात करते हैं तो एक बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो है इंडिया जो ऑयल कार्गो रशिया करता है उसमें इंडिया का रोल काफी तेजी से बढ़ा है एंड ऑफकोर्स चाइना पे भी बढ़ा है तो दैट मीन हमारा ऑयल का जो रिक्वायरमेंट है वो काफी कुछ रशिया से हम मीट करने की कोशिश कर रहे हैं अब यहां पे देखिए रशिया ये लाइट ब्लू है और ये लाइट ब्लू यानी 2022 की हम बात कर रहे हैं 2022 और ये 2021 है 2021 में लाइट ब्लू आपको ऑलमोस्ट नजर नहीं आएगा और यहां पे लाइट ब्लू का एक मेजर शेयर है यानी इंडिया के टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर जो है 2011 के बाद व्हाट यू वुड सी दैट देर इज अ एक शिफ्ट हुआ है देखने को और यह शिफ्ट टू जो है रशियन ऑयल की तरफ हुआ है और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट आर एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रशिया एट रिलेटिवली लोअर कॉस्ट रशिया फ्लेक्सीबल है हमार को हेल्प करने के लिए तैयार है और हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है एनर्जी वो एक कंपेरेबल प्राइस पे होंगे और इम्पोर्ट का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा सबसे अच्छी बात है कि हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे रुपी में समझिए तो इस बात को हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे रुपी में डॉलर की जरूरत नहीं है यानी हमारा फॉरेक्स सेव होगा दूसरा रशिया और Uh, रूपी का रूबल रु, 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 रुपी रूबल अरेंजमेंट होगा एंड दिस विल आल्सो क्रिएट अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी यानी हमारा रूपी का अंतरराष्ट्रीयकरण होगा जहां पे रूपी द्वारा हम इंटरनेशनल पेमेंट बाकी कंट्रीज में भी कर पाएंगे जैसे मिसाल के तौर पर अभी की हम बात करें तो रूपी पेमेंट हम यूज करते हैं इन कंट्रीज लाइक यू नो श्रीलंका या फिर भूटान बांग्लादेश बांग्लादेश इतना नहीं है बट नेपाल यहाँ पे हम रूपी बेस्ड पेमेंट्स कर पाते हैं यानी वो रूपी को एक्सेप्ट करते हैं

फॉलोइंग द मंथ ऑफ यूक्रेन जिस तरह तो रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया उस वक्त यह भी कहा गया कि अगर ये ऐसे ही चलेगा तो डॉलर का जो हैजमनी है वो वीक होगा बिकॉज लोग डॉलर से अवे शिफ्ट करेंगे एंड दे विल लुक फॉर ऑल्टरनेटिव रूट हमको ट्रेड ब्लॉक बना लें हम अपने आपस में करेंसी का पेमेंट कर लें जैसे कि सॉरी मैं अपना एक्सपोर्ट करता हूँ आपसे इम्पोर्ट करता हूँ तो अपने इम्पोर्ट को अपने रूपी में पे करूंगा और आपके इम्पोर्ट को आप हमारे रूपी में एक्सेप्ट करिएगा तो उस तरीके से हम अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हैं मिसाल के तौर पे अगर हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो हम आपसी करेंसीज यूज करेंगे इन आवर ट्रेड एरियाज प्रॉब्लम तभी होता है जब ट्रेड का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है और वहां पर समस्या आती है अब उनकी भी डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो जाती है हमारी भी डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो जाती है इवन आई वुड नॉट लाइक टू हैव डॉलर बिकॉज आई विल पे यू इन माई करेंसी एंड यू विल पे मी इन योर करेंसी एंड दैट इज हाउ द अरेंजमेंट कैन बी क्रिएटेड तो गीता गोपीनाथ एक फेमस इकोनॉमिस्ट है उनका मानना है कि रशिया पे जो सैंक्शन लगे हैं उससे डॉलर फ्यूचर में यूज जो है कमजोर हो पाएगा हमारे जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट है उसमें हमारे एस जयशंकर साहब का कहना है दैट वेस्टर्न पावर्स एनर्जी रिक्वायरमेंट जो ऑयल का कर रही है गैस का कर रही है रशिया से इंडिया अभी भी बहुत कम उनसे करता है इवन टूडे यूरोपियन कंट्रीज आर हेवली डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर फॉर्दर एनर्जी रिक्वायरमेंट भारत की बात करें तो 85 परसेंट हमारा ऑयल इंपोर्ट से आता है और यहां पर हमको हमारे सप्लाई सोर्सेज को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा रशिया या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और रशिया एक बहुत बड़ा एनर्जी सप्लायर हो सकता है फ्यूचर में जो इंडिया के रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता है बिकॉज इंडिया वांट्स इट टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 2047 का जो लक्ष्य लख, है लक्ष्य है हमारा आजादी का अमृत महोत्सव का वो लक्ष्य क्लियर कट है कि वी हैव टू रीच देयर

Uh, जो कुछ uh, रशिया की कंपनी है नायरा उन्होंने जो है इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है तो एक तरह से एक म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट अप्रोच है और रशिया फ्यूचर एनर्जी रीट की रिक्वायरमेंट को हमारे मीट कर पाएगा और हमारे एंड पे फॉरेन पॉलिसी की फ्लेक्सिबिलिटी होगी फ्यूचर में क्या डॉलर उसी तरह से स्ट्रांग रहेगा जो आज है वेल ओनली टाइम विल टेल बट द कंट्रीज आर लुकिंग फॉर वेज टू बाईपास डॉलर एज अ पेमेंट सिस्टम एक्सेप्टेड इंटरनेशनली हाँ लेकिन इसमें भी डॉलर का हेजमनी आज भी रहेगा इन डॉलर आज भी एक डोमिनेंट करेंसी रहेगा और कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत फ्रेगमेंटेशन हो सकता है बट इंडिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री हमारी एनर्जी नीड्स बहुत ज्यादा है एंड वी शुड ट्राई टू फाइंड फॉर सोल्यूशन फॉर आवर डॉलर रिक्वायरमेंट हमारी डॉलर रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करना है और हम अगर डॉलर को रिड्यूस कर पाते हैं तो हमारा फॉरेक्स बचेगा हमारी जो करेंसी वीकेंड हो रही है वो भी बच पाएगी एंड दैट विल क्रिएट स्टेबिलिटी और अगर ज्यादातर कंट्रीज हमारे रूपी को एक्सेप्ट करने लग जाती हैं, सो दैट विल ऑल्सो लीड टू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी यानी भारत का रूपी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक इंटरनेशनल करेंसी बन सकता है जैसे 2016 में चाइना का युआन जो है एक इंटरनेशनल करेंसी बना खैर ये सारे अभी सपने की तरह है इसमें टाइम लगेगा बट रिमेंबर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया यानी भारत का जो अर्थव्यवस्था अर्थ है उस पर यानी जो आर्थिक वृद्धि है इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर अच्छा जो लोग स्टूडेंट्स आप लोग एजाइए से कोर्स लेना चाहते हैं 2023, 24, 25 चौबीस पच्चीस सबके कोर्स का डिटेल्स हाँ पर है 2000 जो कोर्स है 2024 का वन ईयर जो है कोर्स है टू ईयर कोर्स भी है थ्री ईयर कोर्स भी है यू कैन कॉन्टेक्ट द टीम फॉर ऑल योर रिक्वायरमेंट तो इस तरह से चीजें जो है रहेंगी सभी लोग वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गॉड ब्लेस यू इस तरह के नए नए टॉपिक्स पर मैं रेगुलर आऊंगा एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टॉपिक्स पर डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो पाएगा आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाएंगे फ्यूचर में कोशिश करूंगा कुछ एमसीक्यूज और पीवाई को भी यूपीएससी के मैं ऐड करूं सो दैट यू लर्निंग बिकम्स मोर रियल गॉड ब्लेस यू टेक केयर लगे रहिए चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एंड बी हियर टेक केयर बाय